पहले आपको ये एसी के एग्जॉस्ट दिखाना चाहूंगा कि कितने बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हैं, जो कि बेसिकली श्याम जी ऑडिटोरियम के लिए लगे हुए हैं। आप तारीख है 13 और दिन है रविवार और आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम आपको आज इस घंटे यूनिवर्सिटी का कैंपस चेक कराएंगे। और वैसे ये वीडियो आज हम अपलोड नहीं करेंगे, इसे अपलोड करेंगे एक या दो दिन बाद, क्योंकि कुछ कभी कुछ और भी काम है, उसे करने के बाद से हम अपलोड करेंगे। तब तक आपके पास दूसरे ब्लॉग हमारे मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या है। आइए दोस्तों, हमें पहले आने जाने के लिए हमें यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। तो हमारी एंट्री वैसे मॉर्निंग में हो चुकी थी जब हम पहल में गए थे, तो हम उसमें अपना नाम खोजते हैं, अपनी एंट्री पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें जाने की परमिशन मिलेगा। जय हो गुरु जी, धन्य हो महाराज। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नाम कौशल सिंह मेंशन है पहले से, इससे पहले कर लेते हैं। ऑनलाइन पास, ऑनलाइन है इनका सब काम, ऑनलाइन ही है। टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम तो सुबह 3 बज गया, 3 बज चुके हैं। श्रीकांत तिवारी, दो के हुए बस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कैंपस तरफ और कराते हैं आपको आज कैंपस विजिट। तो हम आपको बताते हैं आपके कैमरा मैन जो जा चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे गार्ड लोग हैं और यहाँ पे इनका रूम है, यहाँ पे बेसिकली वो बैठते हैं और इनका बैठने का एरिया ये है। और इधर आप दो से आगे दो बसें खड़ी हैं, अभी बाकी बसें यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, वो पता नहीं कहाँ गई हैं। और इधर से जो गेट सीधे रास्ते जाता है वो सीधे कैंटीन तरफ जाता है, जो कि क्यू कैफ़े है। आप लोग को मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया क्यू कैफ़े के बारे में। फिर वहाँ से सामने ये आई लव क्वांटम का एक बैनर दिखेगा और इधर हमारा ओवरऑल जो बिल्डिंग है वो दिखेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सुंदर हमारी बिल्डिंग यहाँ से दिखती है और इसका ओवरऑल व्यू कितना अच्छा आता है। तो चलिए गाइस चलते हैं। वैसे आप लोग एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गार्डनिंग बहुत ही एक वेल्ड मेंटेन मैनर में की जाती है। उधर भी देख सकते हैं आप लोग, इधर भी देख सकते हैं कि कितनी वेल्ड मेंटेन गार्डनिंग है। मैं आपको पास एक बार दिखाता हूँ। इनकी छटाई हर हफ्ते होती है। आप लोग देख सकते हैं कि एक सीधी लाइन में कितनी मतलब कितनी सुंदर लग रही है ये। तो आप लोग यहाँ पर गार्डनिंग का भी काफ़ी महत्व है। और आप लोग इधर आगे देखिए, ये जो कैंपस है ये कितना सुंदर लग रहा है, अगर आप लोग देख लीजिएगा। इसका आउटलुक मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे आज ये रास्ते बंद हैं। ये बंद इसलिए हैं क्योंकि इस टाइम हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मिड सेमेस्टर के, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के लिए ये भी रास्ता बंद किया गया है। तो हम आपको आगे के रास्ते चलते हैं और दिखाते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे एंट्री लेने के लिए दो रास्ते हैं, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बेसिकली एकेडमिक ब्लॉक है। इसमें सारी ऑफिस के मैनेजमेंट यहाँ पे रहते हैं और सारी मैनेजमेंट यहीं की जाती है। और ये जो है ये दूसरा रास्ता है जो कि भी खुला हुआ है। तो दोस्तों आ जाओ, इधर भी आप लोग देख सकते हैं सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है। और गार्डनिंग आप लोग हर तरफ देखेंगे, गार्डनिंग में कहीं भी कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। और ये हमारे भैया हैं, ये मिस में आप लोग ये कई बार देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। ये रास्ता अभी खुला हुआ है और इसी से भी एंट्री अलाउड है। तो चलते हैं ऊपर दोस्तों और दिखाते हैं आपको। आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना मतलब औसम वे में नोटिस को प्रेजेंट किया जाता है। ये सामने कांच है और कांच के पीछे से सारी नोटिसेस जो हैं लगाई जाती हैं, ताकि बच्चे इनके साथ कुछ छेड़खानी ना कर पाएँ। क्योंकि अगर ये पेपर आगे होता तो बच्चे इसमें कुछ भी फाड़ देते, कुछ लिख देते, इसीलिए इन्हें जो है पीछे लगाया गया है ताकि बच्चे इसके साथ कुछ छेड़खानी ना कर सकें। और ये हमारा गैलरी है और आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट्स का ऑफिस इधर है, जहाँ की बेसिकली फीस रिलेटेड सारी एंट्रीज यहाँ पे होती हैं, जो कि ई ब्लॉक का 101 रूम नंबर है। और आपको मैं बताया था कि जो भी सामने आपको दिख रहा है ये हमारा अकाउंट्स अकाउंट्स नहीं एकेडमिक ब्लॉक है। और आज संडे है तो इसलिए
अभी आप लोग ये भी देख रहे होंगे ये बंद है, और ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे जो भी नोटिसेस होती हैं वो यहाँ पे लगाई जाती हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी एंट्री अलाउड नहीं है क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन ये सब बंद रहता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गमले लगाए गए हैं, और इधर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने एक बहुत ही सुंदर सा छोटा बड़ा ना छोटा मतलब मीडियम साइज़ में एक ग्राउंड है जो कि पूरी तरह ग्रासेस से वो भरपूर है। और यहाँ पर सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो अभी हम ऊपर से आपको इसका एक अच्छा व्यू मिलेगा उसे दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि गमले में यहाँ भी कुछ पौधे लगाए गए हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं क्लासेस की तरफ और दिखाते हैं आपको। तो आज हमारे गार्ड साहब बता रहे हैं कि आज लाइब्रेरी बंद है, और तो आज हम आप लोगों को लाइब्रेरी नहीं दिखा पाएंगे, लाइब्रेरी आपको हम दिखाएंगे किसी और वीडियो में। चलते हैं आपको हम क्लासेस दिखाते हैं और यहाँ के वॉशरूम्स कैसे हैं वो दिखाते हैं। और चलिए गाइस, तो दोस्तों हमने बी ब्लॉक में एंट्री ले ली है और मुझे यहाँ पर सारी क्लासेस बंद दिखाई दे रही हैं। आई थिंक ये क्लासेस ऑफ होने के बाद सारे रूम्स लॉक हो जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं, क्या पता कोई रूम खुला हो। अगर कोई भी रूम अगर खुला होगा तो हम आपको क्लासेस दिखाएंगे, अगर हम अंदर से नहीं दिखा पाएंगे तो क्लासेस किसी दिन किसी और दिन दिखा देंगे आपको। पहले हम आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। वॉशरूम बॉयज़ इधर है, वॉशरूम फैकल्टी जो है जो स्टाफ के लिए है वो इधर अलग अलग बना हुआ है। तो मैं आपको बॉयज़ का वॉशरूम का दिखा देते हैं। काफ़ी अच्छा वॉशरूम है और साफ सफाई के यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है। तो गाइस ये इधर दो शीशे लगे हुए हैं, वॉश बेसिन है, टॉयलेट के लिए लगा हुआ है इधर, और उधर बाथरूम आई थिंक टॉयलेट उधर है। तो चले गए अपने इधर, आप लोग कुछ और भी दे देता हूँ, मैंने काफ़ी फास्ट वीडियो शूट कर लिया था। और वहाँ पे देख सकते हैं कि हर वॉशरूम्स में एग्जॉस्ट अवेलेबल है और वर्किंग कंडीशन में है। अभी बंद इसलिए है क्योंकि आज नॉन वर्किंग डे है, तो नॉन वर्किंग डेज यूज़ नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को फालतू में यूज़ करना भी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर कूलर्स भी अवेलेबल है, आई थिंक ये ख़राब हो चुका है बट इधर वाला वर्किंग कंडीशन में है। आरओ तो नहीं बस ये वाटर कूलर ही है, क्योंकि हमें इसकी जो प्योरिटी है उसमें कहीं आरओ का अंश नहीं दिखाई देता है। गाइस ये कैमरे का सेटअप है, और ये साइड रूम्स लॉक हो, इधर साइड रूम्स। तो गाइस मुझे नहीं उम्मीद लगता है कि कोई भी रूम अनलॉक होगा, तो एक बार आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जो पूरा कैंपस है वो वाईफाई से मतलब इंगेज है, कोई भी जो है मतलब जगह आप ऐसा नहीं पाएंगे जहाँ आपको वाईफाई नहीं मिले। तो बेसिकली गाइस हमारी क्लास ऐसी होती है, ये डोर पे थोड़ा सा कांच लगा हुआ है, तो हम कांच के मतलब बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है और ये एक मतलब टेबल रखा हुआ है, और हमारी सीट्स और चेयर्स कुछ ऐसी हैं जो कि पीछे से मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाती जा रही है, ताकि जब आप पीछे बच्चे बैठे हैं उन्हें आगे देखने में कोई परेशानी ना हो। और हर रूम में ट्यूबलाइट और फैंस भी अवेलेबल हैं, तो गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और कभी कभी जब ज़्यादा बादल छा जाते हैं तो उस कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इधर आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स का लैब यहाँ पे है, तो मैं उसका भी एक बार आपको ओवरऑल दे देता हूँ बाहर से कि बेसिकली है कैसा। तो वैसा कुछ हमारा जो लैब है फार्मास्यूटिक्स का वैसा कुछ है। तो चलिए गाइस आप लोगों को मैंने इतना दिखाई दिया, अब चलते हैं इस ब्लॉक के बाहर। बेसिकली जैसे आपको ये भी मैंने बी ब्लॉक दिखाया ना गाइस, तो बेसिकली उधर भी एक ए ब्लॉक है, तो ए ब्लॉक भी जस्ट ऐसा ही है, इसी फॉर्म में सारे रूम्स हैं और अरेंजमेंट भी लगभग लगभग हर क्लासेस की ऐसी ही हैं। तो पूरी वीडियो को लंबी करने कोई मतलब है नहीं, तो अभी इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और आगे कुछ आप और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर और आपको एक बार हम लैब दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा लैब आई मीन जो कंप्यूटर लैब वो कितना बड़ा है, और फिर कुछ और भी दिखाने की आप कोशिश करेंगे। हमारे जो हमारे पास दो दो ऑडिटोरियम्स हैं, एक मिनी ऑडिटोरियम और एक श्याम जी ऑडिटोरियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैंस्ड है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पर, अभी यहाँ पर लिफ्ट का कुछ काम चल रहा है, और ये देख सकते हैं कि जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोगो लगा हुआ है, और इधर हमारी कंप्यूटर लैब है, काफ़ी बड़ी हमारी कंप्यूटर लैब है, आपको दिखाते हैं, सिर्फ एक ही कंप्यूटर लैब नहीं है, उधर भी है, फिर आप लोग इधर भी देख सकते हैं इतनी बड़ी लैब है। और सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ आपको इस ब्लॉक पर दिखा रहा हूँ,
बाकी ब्लॉक्स में भी ऐसे ही बड़ी बड़ी लैब्स हैं। हाँ, इधर भी आप लोग देख सकते हैं गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी यहाँ पे मतलब लैब है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि एक ही जगह है, हर बिल्डिंग में ये लैब्स अवेलेबल है। इधर का व्यू आप देखते हैं कुछ ऐसा ही है। और जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखाया था जो एकेडमिक ब्लॉक था, नीचे भी वही हाल है और ऊपर भी वही हाल है। ऊपर भी ये एकेडमिक से रिलेटेड जो ऑफिसेस हैं और यहाँ पे सारा मैनेजमेंट काम चलता है, देख सकते हैं। इधर भी वही नीचे ब्लॉक लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा एकेडमिक ब्लॉक और हमारा कॉलेज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, देख सकते हैं कि वे टू श्याम जी ऑडिटोरियम के यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है। तो चलते हैं श्याम जी ऑडिटोरियम की तरफ और मिलते हैं आपसे। शिट गाइस, आज संडे के दिन तो ये श्याम जी ऑडिटोरियम ही बंद ही रहता है। चलिए बाहर से दिखा देता हूँ, किसी और दिन आपको मैं अंदर से अच्छे तरीके से ब्लॉग बना के दिखाऊंगा कि कैसी ये हमारी अंदर से दिखती है। आप एक बार देख सकते हैं इसका जो आउटर व्यू है, मतलब बाहर से ऐसा दिखता है हमारा श्याम जी ऑडिटोरियम। अभी जल्दी कोई कन्वोकेशन हुआ था तो उसके भी पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं और मैं आपको इसका एक बैनर लगा हुआ है, श्याम जी ऑडिटोरियम इनॉग्रेटेड बाई प्रोफेसर प्रदीप्ता बनर्जी डायरेक्टर IIT रुड़की ऑन March 3, 2012। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि श्याम जी ऑडिटोरियम हमारे इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी एक अहम हिस्सा ये निभाता है। और आप लोग देख सकते हैं जिसमें छोटे से ग्राउंड की बात कर रहा था वो ग्राउंड ये है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है, हर तरफ हरियाली ही है। तो इस यूनिवर्सिटी में गार्डनिंग का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। गार्डनिंग के साथ साथ डिसिप्लिन और भी बाकी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट जरूर कराए जाते हैं जिससे कि बच्चों की स्किल्स को डेवलप किया जा सके। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के रूफ टॉप पर और यहाँ पर हम आपको रूफ टॉप को एक बार व्यू देंगे, बताएँगे यहाँ पर कौन सी चीज़ें कैसी क्या क्या हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों, मैं पहले सबसे पहले आपको ये AC के एग्जॉस्ट दिखाना चाहूँगा कि कितने बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हैं जो कि बेसिकली श्याम जी ऑडिटोरियम के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका सेटअप है, दो यहाँ पे है और शायद आगे भी है, आगे भी देख सकते हैं आप, दो वहाँ पे भी। ये जो AC के एग्जॉस्ट हैं कितने बड़े बड़े वहाँ पे भी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये क्वांटम यूनिवर्सिटी के छत का व्यू है। अभी यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें कबाड़ वबाड़ ऐसी फेंकी हुई क्योंकि अभी भी कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, वो ये हैं सोलर पैनल्स। देख सकते हैं कितने ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व किया जा सके। जो भी ये सनलाइट के द्वारा मतलब बिजली को पैदा किया जा सकता है, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सोलर पैनल्स को लगा रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है उसे यहाँ पे यूज़ भी किया जाता है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को बनाया भी जाता है। यहाँ पे जो BTEC के बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें उसे हम कह सकते हैं कि काबिल हैं और अपनी काबिलियत को दर्शाते भी हैं। मैं आप लोग को एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों। उधर आप लोग सामने आपको दिख रहा होगा कि वो ये जो मैं भी आपको फोकस कर पा रहा हूँ, जहाँ पे ऊपर टावर्स लगे हुए हैं वो तो हमारा हॉस्टल है जिसमें हम रहते हैं। और इधर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस। दोस्तों, देखिए, आपको वीडियो में तो दिख नहीं पा रहा होगा, ऐसे भी नहीं दिख पा रहा है, जब बारिश होती है तभी ये चीज़ दिख पाती है। सामने देहरादून और हरिद्वार के जो पहाड़ हैं वो हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। अभी तो जो ठंडे का मौसम आ गया है, काफ़ी धुंध रहती है और पोल्यूशन की वजह से नहीं दिख पाता है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर सामने जहाँ मैंने भी अपना कैमरा फोकस कर रखा है वहाँ पर पहाड़ दिखते हैं, देहरादून और हरिद्वार वाले। तो वैसे मैंने पहले भी इस चीज़ को जो पहाड़ दिख रहे थे उससे मैंने शूट किया था, तो उसे मैं अपनी वीडियो में ऐड कर दूंगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी बारिश होती है यहाँ कभी इतना सुंदर लगता है गाइस कि उसे मैं कह नहीं सकता। दोस्तों, आप ये सामने छत से यूनिवर्सिटी के बाहर का आप लोग व्यू देख सकते हैं कि कितने सारे ढाबे खुले हुए हैं। अभी हम वहाँ पे जो है शिवम ढाबा पे खाना खाने गए थे, वहाँ से भी आ रहे हैं। तो बेसिकली सामने जो ये हाईवे गया है ये रुड़की देहरादून हाईवे है और आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर से ऊपर से इसका व्यू दिखता है।
और ये जो रोड है अगर आप इधर इधर की तरफ आगे जाएंगे तो ये रोड सीधे ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ भी चला जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के चारों तरफ और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ चारों तरफ, वहाँ पे एक इंडस्ट्री है आप जहाँ धुआं निकल रहे हो वो देख सकते हैं, और चारों तरफ सिर्फ आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। ऐसा क्यों मैं आप लोगों को भी बताता हूँ दोस्तों, पहले एक बार आप इसे देख तो लीजिए कि यूनिवर्सिटी के चारों तरफ और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आपको आएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी जंगलों के बीच बनी हुई है, जंगलों को काट के बनी हुई है। इस यूनिवर्सिटी से अगर आप खड़े छत पे होके खड़े होके देखते हैं तो आपको इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं सामने सामने सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, उधर सामने की तरफ उधर ही आपको पहाड़ दिखेंगे। तो ये नेचर का एक बहुत अच्छा व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।